अगले आधे घंटे में हम आपको उन दुर्गम परिस्थितियों से रूबरू करवाएंगे जहां हम और आप तो घंटे भर से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे में -53 डिग्री के टॉर्चर में सरहद की हिफाजत करते जवानों के शौर्य को हर हिंदुस्तानी का सलाम। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, काराकोरम पहाड़ियों के बीच ऐसा बर्फीला रेगिस्तान जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और सफेद बर्फ के सिवा कुछ नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। सियाचिन में अक्सर दिन में भी तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे और रात में -70 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इसलिए सियाचिन में तैनात फौजियों को हर वक्त अपना हौसला और जज्बा बनाए रखना पड़ता है। सैनिकों को यहाँ अपना पैर जमाने तक में मुश्किल होती है। सर्दियों में यहाँ औसतन 1000 सेंटीमीटर या कहें 10 मीटर तक बर्फबारी होती है। समुद्र तल से 5753 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाला पानी लद्दाख की नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है, लेकिन 2009 में आई रिपोर्ट के मुताबिक अब ये ग्लेशियर अपने पूरे क्षेत्रफल का आधा ही बचा है। आप यहां परिवार से दूर, देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं, अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में हिंदुस्तान के जाबाज जवान हर पर जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। सियाचिन हिमालय के काराकोरम रेंज में है जो चीन को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है। सियाचिन 76 वर्ग किलोमीटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 23,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन इंद्र नाम की पहाड़ी से शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर के 15 किलोमीटर पश्चिम में सल्तोरो रिज शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर से सल्तोरो रिज तक के इलाके पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। सल्तोरो रिज के पश्चिम में ग्योंग ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण शुरू होता है। देखिए, सियाचिन जो है उसकी हाइट है तकरीबन सबसे ऊंचे से ऊंची जो पहाड़ी वहां पर है वो तकरीबन 21,500-22,000 फीट की है, मगर ग्लेशियर जो है वो तकरीबन 15,000-16,000-17,000 फीट तक ग्लेशियर चलता है। आपको ये याद होना चाहिए, पब्लिक को भी ये मालूम होना चाहिए कि भारत के पास ग्लेशियर का कंट्रोल है और साथ में ग्लेशियर के साथ लगा हुआ सल्तोरो रिज जो है उस पूरे सल्तोरो रिज के ऊपर हमारा कब्जा है। पाकिस्तान हर साल कोशिश करता है, पहले कोशिश करता था, अब तो सीज फायर है कि हमें किसी ना किसी तरह सल्तोरो रिज से हटाया जाए। ये सल्तोरो रिज का इलाका है जिसमें ये हाइट जो है वो 22,000 फीट तक जाती हैं। अलग अलग टुकड़ियों में वहाँ पर फौज वहाँ पर डिप्लॉयड है, बंटी हुई है और बहुत से ऐसे पोस्ट हैं वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की जो मौसम के ऊपर जो है उनका होल्ड करना भी मौसम के ऊपर निर्भर है। खासियत इसमें ये चीज़ है कि सियाचिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम मौसम की वजह से उस इलाके को हम वकेट नहीं कर सकते। करीब 30 साल से सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में भारत
पाकिस्तान की फौज इस सामरिक स्थिति को बनाए हुए हैं। यहाँ मौजूद जवानों को जब भी अपनी बात कहने का मौका मिला, तब भी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि वो जान दे देंगे, लेकिन अपनी एक इंच की सरजमी भी दुश्मन के कदम नहीं पड़ने देंगे। बेशक फौजी का जज्बा कभी भी कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 30 साल से मौसम और दुश्मन के खिलाफ लगातार जारी ये जंग बहुत खर्चीली है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज के करीब 150 फौजी पोस्ट हैं, जिनमें करीब 10,000 फौजी तैनात हैं। 26 नवंबर 2003 से सीज फायर है और ये इलाका सियाचिन का ऐसा है जहां पर सीज फायर बनी रही है, पिछले 10-12 साल से बनी रही है। बनिस्बत के आप LOC पर देखिए, वहाँ पर सीज फायर जो है वो टूटती रहती है टाइम टाइम पर, यहाँ पर बनी रही है। और प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जाने जाती हैं ज़्यादा मौसम के वजह से, और मौसम नहीं तो वहाँ पर एक खासियत होती है कि ग्लेशियर जो है वो बहुत गहरा है, बर्फ़ जो है वो बहुत जमी हुई है। दिन के वक्त 12-1 बजे 2 बजे जो है बर्फ़ की दो चीज़ें होती हैं, बर्फ़ फटने लगती है जिसके वजह से दरारें पड़ने लगती हैं ग्लेशियर के अंदर, तो हमारे जो मूवमेंट हैं उसमें बाधा पड़ती है, ख़तरा होता है। और दूसरी चीज़ है कि ये रात को जब दिन में वहाँ पर गर्मी बढ़ती है उसके वजह से पिघलने के वजह से बर्फ़ नीचे आने लगती है, एवलांच आने लगते हैं, ये इसका कोई पैटर्न नहीं है। आमतौर पर एक फौजी की सियाचिन में सिर्फ 3 महीने के लिए ही तैनाती होती है, लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी फौजियों को 3-5 हफ्ते की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 6 महीना इधर काटना है, 6 महीने के बाद इधर ट्रेनिंग भी 3 हफ्ते करना है, 21 डेज, उसके बाद वो पर पोस्ट में चलना है, उधर 3 महीना सर्विस काटना है। सियाचिन के लिए फौजियों की पहली ट्रेनिंग कश्मीर के खिलन मर्ग के गुजरहट में बने हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से शुरू होती है। इसी स्कूल में सेना के जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काटकर ऊंचाई पर चढ़ने, भयंकर सर्दी में भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर से पहले बने बेस कैंप के सियाचिन बैटल स्कूल तक ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद सियाचिन की चौकियों पर तैनाती के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सफर करना पड़ता है। इन चौकियों पर रसद और गोला बारूद की आपूर्ति भी हेलीकॉप्टर से होती है। कोई सैनिक बीमार पड़ जाए तो उसे बेस कैंप के अस्पताल में पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल होता है। सियाचिन पर तैनाती के बाद फौजियों को बेहद मुश्किल भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सियाचिन में 3 महीने के दौरान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता और ना ही वो दाढ़ी बना पाते हैं। हर रात उन्हें चौकी के सामने से बर्फ हटानी होती है। बर्फ अगर ना हटाई जाए तो बर्फ के दबाव के कारण जमीन फटने का खतरा बन जाता है। पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। सैनिकों के पास एक खास तरह की गोली होती है जिसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। लेकिन वतन पर मर मिटने वाले जवान कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर ने एक बार फिर देश के जाबाजों को निगल लिया। -50 डिग्री में देश की रक्षा कर रहे 10 जवान एवलॉन्च में जमींदोज हो गए। इसके बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि आखिर कब इस क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित किया जाएगा और कब भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाएं पीछे हटेंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि सिर्फ 74 वर्ग किलोमीटर बर्फीले इलाके में कब्जा जमाए रखने के लिए भारत के अब तक 879 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 76 किलोमीटर लंबे दुनिया के सबसे लंबे गैर ध्रुवीय हिमनद सियाचिन के मुहाने से अंतिम सिरे
यानी इंदिरा कोल तक पर भारतीय सेना की चहलकदमी पिछले 30 सालों से लगातार जारी है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान के रूप में विख्यात सियाचिन के सीने से अब तक हजारों हजार सैनिक गुजर चुके हैं। कितने यहां डूब चुके हैं और कितनों के खून के छींटे इसकी बर्फ में हमेशा के लिए घुल चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में हुए संघर्ष विराम के बाद यहां गोलियों की गूंज भले न सुनाई देती हो, लेकिन मौसम कई बार जानलेवा साबित हुआ है। कहते हैं दुनिया के इस सबसे खर्चीले युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन की गोलियों से भी उतनी जाने नहीं जाती जितनी यहां मौसम के निर्मम हालात के चलते गवाई जा चुकी हैं। दुनिया की कोई भी वेबसाइट सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान तक पहुंचने का ना तो किसी जहाज का पता बता पाई है और ना ही किसी रेलगाड़ी का लिंक दिया है। ऐसे में घूमने के शौकीनों के लिए आर्कटिक और अंटार्कटिक तो क्या, मंगल ग्रह तक पहुंचने के तक पैकेज पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सियाचिन तक पहुंचने का समीकरण अब भी काफी टेढ़ा है। वर्ग किलोमीटर के इस बर्फ के रेगिस्तान पर सरहद की निगरानी करना न तो आसान है और न ही सस्ता। एक अनुमान के अनुसार भारतीय सेना के जवानों का सियाचिन का एक दिन का खर्च लगभग 6,80,00,000 रुपए का आता है, यानी हर सेकंड इस बर्फीली सरहद के निगहबानी के लिए भारत सरकार अपने जाबाज जवानों पर 18,000 रुपए खर्च करती है। इतनी ही रकम से एक साल में 4,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जा सकते हैं, या पिछले 30 सालों में 1,72,000 स्कूल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो रोटी देश की राजधानी दिल्ली में 2 रुपए की मिलती है, वो रोटी सियाचिन पहुंचने तक 200 रुपए की हो जाती है। सियाचिन पर तैनाती के सेना अधिकारियों को 21,000 रुपए प्रतिमाह का अलाउंस मिलता है, जबकि जवानों को हर महीने 14,000 रुपए के भत्ते का भुगतान होता है। सैनिक यहाँ विशेष तरह के कपड़े इग्लू में रहते हैं। सैनिकों को यहाँ रसद हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सोडम यही सियाचिन में मौजूद है, जो समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां मानव शरीर का टिकना भी मुश्किल रहता है, वहां हमारे ये सिपहसाला सरहद की चौकसी करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात भी भारतीय सेना के जवानों को महत्वपूर्ण अवसरों पर तिरंगा लहराने से नहीं रोक पाते। इसी साल 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर उन्होंने -23 डिग्री तापमान के बावजूद तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इन जवानों का एक वीडियो हाल ही में जारी हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि -23 डिग्री का तापमान भी इनके जज्बे को नहीं तोड़ पाता। सामरिक दृष्टि से सियाचिन की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस सेक्टर में दोनों देशों के 15,000 जवान साल भर तैनात रहते हैं। हालांकि कई बार पाकिस्तान ने सियाचिन को भारत से छीनने की भी कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 1949 के कराची और 1972 के शिमला समझौते में ये तय हुआ कि दोनों देश यहां पर सैनिकों की तैनाती नहीं रखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तरी ध्रुव पर सियाचिन स्थित है। अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और कब्जा करने की कोशिश को रोकने के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करी थी। इसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था। इन उजड़े और वीरान हिस्से का किसी के कब्जे में होना कितना सामरिक महत्व रखता है, इसके लिए रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ सैनिकों का रहना जरूरी नहीं है, पर अगर किसी दुश्मन का कब्जा हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। बहुत दफे ऐसा होता है कि टैक्टिकली फौज को पकड़ना पड़ता है वो जमीन को,
नहीं तो वो जमीन ऐसी अहमियत वाली जमीन होती है जिसको अगर वो कब्जा अगर उस पर दुश्मन का हो जाए तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो इसकी वजह से सियाचिन में जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि सियाचिन में बड़े जितने ऊंचे ऊंचे टीले हैं सबको पकड़ के रखना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का फुटप्रिंट या आप समझिए फुट होल्ड जो है वो साल्टोरो रिज के ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर साल्टोरो रिज पे आ गया तो वहाँ से उनकी नज़र जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पे जाती है, और जब नज़र जाती है ग्लेशियर के ऊपर तो आर्टिलरी का फायर जो है वो नज़र के साथ वो आर्टिलरी का फायर डायरेक्ट कर सकते हैं। 1987 के बाद भी 1990, 1995, 1996 और 1999 में लाहौर समझौते से पहले भी सियाचिन पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान द्वारा होती रही है, लेकिन भारतीय जाबाजों ने हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिरकार थककर 2003 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। खून जमा देने वाली ठंड, सांसें थमा देने वाली परिस्थिति में भी हमारे देश के रणबांकुरे अपनी जान को दांव पर लगाकर सरहद की निगरानी करते हैं। ऐसे रियल हीरोज को पूरे हिंदुस्तान का सलाम।